हरदोई के सुरसा थाना इलाके में एक युवक की चाकू से गोद कर व गला काट कर निर्मम हत्या कर दी गई। युवक की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया है। जानकारी के अनुसार सुरसा थाना इलाके के ओदरा नेवलिया गांव के बाहर एक युवक का शव पड़ा मिला, जिसकी तुरंत सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने अधिकारियों ने बताया कि युवक का गला काटा गया है, जबकि शरीर पर अन्य गंभीर चोटों के निशान भी मौजूद है। मृतक के पिता रजनीकांत ने बताया कि युवक कल रात सुरसा जाने की बात कहकर निकला था। फिलहाल प्रेम प्रसंग में हत्या की भी बात सामने आई है। एसपी अमित कुमार ने बताया कि मृतक युवक की पहचान सचिन पांडे निवासी इचनापुर सुरसा के रूप में हुई है। पुलिस ने पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश हरदोई से संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। इसका नाम सचिन पांडे, ये हमसे ये कहने लगा कि मैं 10 मिनट के लिए सुरसा जा रहा हूँ, पापा भी आ रहे हैं। मैं रात भर इंतजार करता रहा, सुबह हो गई तो हमें इनके साथी लोग थे उनसे कहा भैया ऐसा करो इसका मोबाइल नंबर लगाओ, तो मोबाइल नंबर स्विच ऑफ जा रहा था। तब तक थाने से खबर गई, हम थाने के हमें लग रहा है ये किसी ने इसको मार डाला। अब ये चाकुओं से हत्या की पूरा डिटेल से देखा नहीं है, वहाँ जो हमें थाने में सूचना मिली उस हिसाब से बताने में है। अब ये सर हमें अगर इस चीज़ का अनुमान होता तो हम उस हिसाब से बता दे, हमें इस चीज़ का कोई अनुमान नहीं। हमें से कभी ये ऐसे ऐसा होता ही नहीं था कि गया 10 मिनट ले आ गया। अब इसके पीछे क्या है ये तो सरकार ही जान सकती है, पुलिस छानबीन कर सकती है, हम इसके विषय में कुछ नहीं था। थाना सुरसा में उधरा गांव में एक बॉडी सुबह सुबह मिली, जिसमें कई जगह चाकू के वार थे तथा गला कटा हुआ था। और ये लगभग बाद में जानकारी करने पर पता चला कि ये व्यक्ति जो मृतक है वो पास के ही गांव का रहने वाला है, जिसका नाम सचिन है, जिसकी उम्र लगभग 23 वर्ष थी। इसके पिता से तहरी से सबसे बात हो गई, वो तहरी दे रहे हैं और बाकी घटना का पता लगाया जा रहा है कि हत्या का कारण क्या हो सकता है। फिलहाल घर वालों ने जो तहरी दी है उसी पे जांच की जा रही है और आगे कोई चीज़ पता चलती है तो इस तरीके से हत्या हुई सर। ये चाकू लगभग 10-11 बार उसके शरीर पे पेट पे इत्यादि पे चाकू मारा गया है तथा गला पे गला देखा गया है और पास में उसकी बाइक भी मिली है। पूरी घटना की जांच की जा रही है, फिलहाल फॉरेंसिक से भी जांच की जा रही है, उसके बाद जानकारी होने पे पता लगेगा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।